नमस्ते दोस्तों, कंपनी 360 के YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs एंड कॉपीराइट। नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs, जिन्हें कॉमन वर्ल्ड में डिजिटल टोकन्स के नाम से जाना जाता है, वो किसी पर्टिकुलर डिजिटल या रियल वर्ल्ड आइटम की ओनरशिप को ऑथेंटिकेट और रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड एक घर की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही NFTs को आर्ट, म्यूजिक, फोटोज, डिजिटल क्रिएशंस, GIFs यानी GIFs और बहुत सारी जगहों पर रियल एस्टेट जो कि डिजिटल टोकन में हो उसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। NFTs को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया जाता है जो कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ होती है। आज की दुनिया में NFTs को इथेरियम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया जाता है, लेकिन कोई NFT क्रिएटर उसे कोई दूसरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी क्रिएट या डेवलप कर सकता है। NFTs ट्रेडिशनल या फियाट करेंसीज या आज की मॉडर्न डे क्रिप्टो करेंसीज की तरह नहीं है। NFTs यूनिक होते हैं और जैसा कि उनका नाम सजेस्ट होता है कि वो नॉन फंजेबल होते हैं। इसका मतलब यही है कि वो इंटरचेंजेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक बिटकॉइन को किसी दूसरी करेंसी के साथ या किसी दूसरे एसेट को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन NFTs यूनिक होने के कारण उसे किसी दूसरे आइटम के खिलाफ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। NFT की ओनरशिप का मतलब यही है कि किसी स्पेसिफिक आइटम की ओनरशिप या टाइटल, और एक समय पर कोई एक व्यक्ति ही उसकी ओनर हो सकती है। यही मुद्दा NFTs और क्रिप्टो करेंसीज को आगे डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। एज NFTs आर क्रिएटेड एंड बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन विच इज़ एसेंशियली अ डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर वन टू डुप्लीकेट और मॉडिफाई रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ अ NFT, एंड हेंस NFTs क्रिएट अ डिजिटल स्कैसिटी विच एड्स इन एडिंग टेंजिबल वैल्यू। और दूसरी जगह पर फंजिबल करेंसीज जो होते हैं उन्हें ईजिली एक्सचेंज किया जा सकता है, क्योंकि उनका प्राइमरी डेफिनेशन उनके वैल्यू से होता है, ना कि उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बिटकॉइन की वैल्यू किसी दूसरे बिटकॉइन की वैल्यू से सेम होगी, या आपके वॉलेट में एक 100 रुपये की नोट और एक दूसरी 100 रुपये की नोट उसकी वैल्यू भी सेम हो सकती है और आप उसे किसी दूसरी करेंसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या कोई आइटम खरीद सकते हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपये की हो। एक और फंडामेंटल डिफरेंशिएशन एक NFT और क्रिप्टो करेंसी के बीच में यह है कि NFTs के अंडर एक्स्ट्रा कोडेड इन्फॉर्मेशन जिसे मेटा डेटा कहते हैं वो होता है। ये कोडेड और डिफाइंड मेटा डेटा हर एक NFT को डिस्टिंक्ट और आइडेंटिफाइबल बनाता है, क्योंकि NFTs एक वैल्यू होल्ड करते हैं, उन्हें किसी दूसरे आइटम की तरह ट्रेड किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल या डिजिटल मोड में हो, और इसकी वैल्यू मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड एंड सप्लाई उनसे डिटरमाइन होती है। NFTs को बेहतर समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे आपके पास आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की ऑटोग्राफ्ड फोटोग्राफ है। व्हाइल यू वुड बी द ओनर ऑफ द यूनिक ऑटोग्राफ्ड फोटोग्राफ जस्ट लाइक वन वुड ओन अ NFT, द फोटोग्राफर हु क्लिक द फोटोग्राफ वुड स्टिल रिटेन अदर कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन द फोटोग्राफ विच वुड एंटाइटल हिम टू मेक डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई और क्रिएट अदर डेरिवेटिव्स ऑफ द सेट फोटोग्राफ। द वे द सेलिब्रिटीज ऑटोग्राफ ऑन द फोटोग्राफ मेक्स इट अ यूनिक आइटम। NFTs कैन बी अंडरस्टूड टू बी अ डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी विच इज सिक्योरली रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। Now coming to the point of IP related aspects of original creations being sold by way of NFTs. लेकिन इससे पहले ये बेहतर होगा कि हम इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर कॉपीराइट शब्द का अर्थ क्या है देखिए। इन टर्म्स ऑफ द सेड एक्ट, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, द ऑथर और क्रिएटर ऑफ अ वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द सेड वर्क, एक्सेप्ट वेयर अ वर्क इज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ द ऑथर्स और क्रिएटर्स एम्प्लॉयमेंट under a contract of service, in which case the employer would be the first owner of the copyright in the work. NFTs बहुत सारे artists और content creators के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। Many artists are now choosing to release their creations as a coded NFTs, while encrypting specific clauses in the e-contract whereby the artist would receive a percentage royalty every time the NFT of his or her creation is subsequently sold. जैसे ही contracts अपने आप को execute करेंगे, वो आर्टिस्ट अपने क्रिएशन के ऊपर बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब्सिक्वेंट सेल्स के ऊपर रॉयल्टीज मिलेंगी जो आर्टिस्ट को यूजुअली नहीं मिलती है। और ये सब उस आर्टिस्ट को किसी भी कॉपीराइट सोसाइटी या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर किए बिना
मिल सकती है। NFTs का एक और बेनिफिट क्रिएटर्स के लिए यह है कि ये एक डिजिटल वाटरमार्क के रूप में काम करता है, जिससे एक क्रिएटर की पहचान को वेरीफाई किया जा सकता है और इसे ओरिजिनल वर्क और काउंटरफीट्स यानी फेक वर्क से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अनदर पर्टिनेंट डिस्टिंक्शन टू बेयर इन माइंड इज द डिफरेंस बिटवीन ओनिंग अ NFT एंड अक्वायरिंग द राइट्स ओवर द अंडरलाइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द क्रिएशन दैट इज बीइंग ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ अ NFT। टू पुट इट सिंपली, इफ वन बाइज अ NFT कॉन्फरिंग ओनरशिप राइट्स ओवर अ पर्टिकुलर सॉन्ग और डिजिटल आर्ट, दैट वुड नॉट इम्प्लाई that all underlying intellectual property rights in the song or digital art would be also transferred by virtue of purchasing the NFT. Ownership rights के अलावा copyrights author या creator के पास ही रहेंगे unless इसे expressly writing में agree किया गया हो. Hence, it becomes imperative for a prospective purchaser of a NFT to conduct necessary due diligence to first authenticate the genuineness of the NFT and further record the terms of the transfer of the underlying intellectual property rights in the work by a way of license or assignment in the NFT's code itself. एक और practical issue जो NFT के अंदर address किया जाता है वो है कि आज की दुनिया में किसी भी digital file की duplicate बनाना या उसकी बहुत सारी copies बनाना बहुत easily हो सकता है, जिसके अंदर कोई song या art include हो सकते हैं जो कि NFT में है. NFTs एक ऐसी चीज़ offer करते हैं जिसके लिए collectors बहुत strive करते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो बहुत सारी कॉपीज़ और काउंटरफीट से भरा पड़ा है। NFTs कलेक्टर्स को एक ऐसी चीज़ देते हैं जो कभी भी कॉपी नहीं हो सकती और जिसकी ओनरशिप उनके पास ही रहेगी। दिस इज akin टू ओनिंग अ प्रिंट ऑफ द मोनालिसा पेंटिंग और अ हुसैन पेंटिंग, वाइल ओनली वन पर्सन कुड ओन द ओरिजिनल। एज नोटेड अबव, NFTs डू नॉट ट्रांसफर द सबसिस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन अ वर्क सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी and only act as a digital proof of the ownership of a work. Accordingly, the possibility of someone minting or creating a NFT of someone else's work that is available in the public domain or without obtaining the requisite consent or license and thereby infringing the rights of the author vis-a-vis the original work are very high. Furthermore, if any modifications are made to the author's work, the author's moral rights in the work would also be prejudiced. As there are presently no specific laws pertaining to NFTs, the only remedies that would be available to the author of the work would be by way of interlocutory injunctions and or seeking damages for copyright infringement. This would be well and good if one were referring to a physical counterfeit in a particular jurisdiction where the details of the infringer are known. Lekin is fact ko consider karte hue ki zyadatar NFTs cryptocurrencies mein trade hoti hain, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बायर और सेलर की डिटेल्स अनोनिमस रहे, इसीलिए इन्फ्रिंजिंग एंटिटी या उस पर्सन की आइडेंटिटी के एक्चुअल नॉलेज के बिना ऑथर को प्रोटेक्ट करना और उसकी कॉपीराइट्स को एनफोर्स करना उसके ओरिजिनल वर्क पर एक बहुत कठिन टास्क बन जाएगा। एज NFTs आर गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग्स कलेक्टर्स एंड आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द फैक्ट दैट कॉर्पोरेट जायंट्स लाइक नाइकी, NBA, F1 and Gucci, to name a few, are actively developing and selling limited edition NFTs at incredible prices. It would not be right to dismiss NFTs as an internet bubble just yet. Christie's recent $69.3 million auction of Mike Wickelman's digital art NFT has spawned the birth of many artist collectives in India to jump on this emerging trend and reap the benefits of selling and commercially exploiting their digital creations. जैसा कि NFTs की डिमांड स्टेडिली इंक्रीज हो रही है, अब एक ग्लोबल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जो NFT क्रिएटर्स और अंडरलाइंग एसेट्स की ऑथेंटिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए मदद करे। इससे फेक या मलेशियस NFT क्रिएटर्स या माइनर्स को ओरिजिनल आर्टिस्ट के काम को मिसअप्रोप्रिएट और पासिंग ऑफ करने से रोक सकते हैं। इट मे बी हेंस कंक्लूडेड दैट व्हाइल ट्रेडिंग ऑफ NFTs डज रेज सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न एज नोटेड अबव, the same can be addressed by implementing guidelines at a global level on the basis of pre-existing laws and intellectual property treaties. ये न केवल original कामों के creators के moral rights को protect करेंगे, बल्कि उनके काम को एक secure और effective manner में commercial और economic स्तर पर exploit करने में बहुत मदद करेगा। तो इसी के साथ ये video समाप्त होता है। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी website को ज़रूर भेज दें या हमें यहाँ दिए गए ईमेल या मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।